कर्म। कर्म क्या है? कर्म है काम। विचारों के माध्यम से, जैसे किसी के बारे में सोचना, शब्दों के माध्यम से, जैसे किसी को कुछ कहना, क्रियाओं के माध्यम से जो हम स्वयं करते हैं, क्रियाओं के माध्यम से जो हमारे निर्देश पर दूसरे करते हैं। जैसे जब हम अपने कर्म की इज्जत करते हैं या उस कार्य को पूरे मन लगाकर करते हैं तो वह कार्य सफल हो जाता है। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, कर्म ही पूजा है। भगवान ने हर इंसान को दो हाथ, मुंह और दो पैर के साथ धरती पर भेजा है। इसका मतलब है कि भगवान भी हमसे कर्म करवाना चाहता है। हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्य करना अति आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है तो उसे जीवन में सफलता मिलती है। जब वह आधे मन से कार्य करता है तो वह असफल हो जाता है। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम अपने सामने रखे भोजन को भी नहीं खा सकते। इसलिए जीवन कर्म के बिना अधूरा है। यह जीवन केवल तभी उपयोगी होता है जब तक हम सभी कार्य करते हैं। कार्य करना जीवन का मुख्य उद्देश्य है। आलस्य और सुस्तता जीवन के लिए अभिशाप के समान है। कर्म के बिना जीवन का कोई व्यक्तित्व नहीं है। एक योद्धा होने के नाते तुम उन सभी कर्मों को करने के योग्य हो जिसकी अपेक्षा किसी योद्धा से की जा सकती है, लेकिन तुम अपने कार्यों के परिणाम स्वरूप किसी भी तरह का लाभ उठाने के अधिकारी नहीं हो। साथ ही तुम कर्म नहीं करने के अधिकारी भी नहीं हो, यानी कर्म ना करना तुम्हारे वश में नहीं है। इसलिए तुम्हें कर्म फल की इच्छा किए बगैर अपनी स्थिति के अनुसार कर्म करना चाहिए। कर्म बहुत ही जरूरी है। यहां तक कि अगर आप चाहें तो भी कर्म करने से खुद को रोक नहीं सकते। कर्म से मतलब सिर्फ शारीरिक क्रिया से नहीं है। आप शरीर से कर्म करते हैं, मन से कर्म करते हैं, अपनी भावना से कर्म करते हैं, यहां तक कि आप अपनी ऊर्जा के स्तर पर भी कर्म करते हैं। हर वक्त आप शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक क्रियाएं करते रहते हैं। धर्म और कर्म में केवल एक ही अंतर है। धर्म मुक्त करता है जबकि कर्म बंधन पैदा करता है। तो कर्म तो अनिवार्य है। किसी भी हालात में कर्म तो आपको करना ही है, चाहे आप आराम ही क्यों ना कर रहे हो। आराम के दौरान भी आप अपने मन या भावना में कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हो। अब यह आपको देखना है कि आप अपने आप को उलझाने के लिए कर्म कर रहे हो या मुक्त करने के लिए। कर्म करने का सबसे अच्छा तरीका कार्य का आनंद लेना है। जब हम कोई कार्य आनंद लेकर करते हैं तो यह आसानी से एक सफल हो सकता है। यह तभी होता है जब हम किसी भी कार्य को बोझ समझकर नहीं करते हैं। जैसे ही काम बोझ बन जाता है यह पूजा की पवित्रता को खो देता है और फिर इसकी गुणवत्ता भी गिरने लगती है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि काम को आनंद के साथ किया जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका परिणाम क्या हो सकता है, तभी हम इष्टतम परिणाम प्राप्त पा सकते हैं। केवल तभी जब हम पूजा के रूप में काम करते हैं।